समाजवादी पार्टी संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उनके बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भावुक हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मेरे पिताजी और सबके नेताजी नहीं रहे। बताया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने आज सुबह 8:15 पर आखिरी सांस ली। उन्हें 22 अगस्त को मेदांता अस्पताल में भर्ती किया गया था। हालत बिगड़ने पर 1 अक्टूबर की रात को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। बीते 5 दिनों से मुलायम सिंह यादव की तबीयत गंभीर बनी हुई थी, जहां 10 अक्टूबर को उनका निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद से ही पूरा यादव परिवार वहीं मौजूद था। अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव, प्रतीक यादव, राम गोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव समेत परिवार के सभी सदस्य पिछले 1 हफ्ते से ही मेदांता में थे। अब मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद सभी भावुक हैं। बता दें कि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर मेदांता हॉस्पिटल से सैफई के लिए रवाना हो गया है। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को उनके गांव सैफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहीं पर उनका अंतिम संस्कार होगा। नेताजी के निधन पर सैफई में लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी है। सभी भावुक हैं और कई लोग तो नेताजी को याद करके रो रहे हैं। इटावा से अमित तिवारी की रिपोर्ट, यूपी तक।